दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में नोट बैंकिंग के रूल्स, प्रॉपर फॉर्मेट एंड हाउ टू यूज एब्रीवेशंस एंड हाउ टू गेट 8 out of 8 मार्क्स इन नोट बैंकिंग्स एंड फॉर 11th एंड 12th क्लास। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको नोट बैंकिंग आसान लगने लगेगी। इस वीडियो में मैंने सारे रूल्स कवर किए हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बताया हुआ है और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करना है, आसानी से आप सॉल्व करूँ। तो एंड तक देखना, बहुत कुछ इसमें नया मिलेगा आपको और बहुत कुछ यूनिक और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से आप नोट बैंकिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड थॉरली। पैसेज को एक बार स्टार्टिंग में आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, थोड़ी स्लो पैसेज को, थोड़ा सा उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद पैसेज को आप थॉरली लगातार पढ़ते चले जाओ थोड़े स्पीड में। ध्यान क्या रखना है आपको, जब पैसेज पढ़ोगे आप तो उसमें जो की पॉइंट्स जो है, देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है वाइल रीडिंग द पैसेज अंडरलाइन द की सेंटेंसेस। जो की सेंटेंस, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, उनको आप पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन फॉर्मेटिंग द टाइटल एंड सबटाइटल। इसकी वजह से आप आसानी से टाइटल और सबटाइटल बना सकते हैं। और आपके एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट यूज करना है, जो भी उपयुक्त फॉर्मेट या जो भी CBSE के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड या गिवन फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना है। उसके अलावा और कोई फॉर्मेट यूज नहीं करना है कि कोई भी कुछ भी बताया जा रहा है आपको। ओके, फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको लास्ट में अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो आप लास्ट देखना। उसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको, मस्ट राइट द टाइटल। इट शुड स्टेट व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ पैसेज टॉक्स अबाउट। आपको जो टाइटल लिखना है वो ऐसा टाइटल होना चाहिए जिसके जो ना पूरे पैसेज को कवर कर ले। एक ऐसा टाइटल जो जिसके जिसको पढ़ते ही हमें पता चलेगा इस पूरे पैसेज में है क्या, उसका निचोड़, दैट मीन्स उसका जीस्ट। ओके, मेन टाइटल शुड बी शॉर्ट। मेन टाइटल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंस आपको अवॉइड करना है एज ए टाइटल, अनलेस कंडीशन है। देखो लॉन्ग सेंटेंस हो सकता है लेकिन कंडीशन क्या है, इट हैपन्स टू बी अ कॉमन सेइंग और अ प्रोवर्ब्स। कॉमन सेइंग कहावते या प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना, तो उनके अलावा या फ्रेजेज होते हैं, अगर ऐसे अगर आपने टाइटल बनाए हैं तो उसमें तो क्या पूरी लाइन लिख सकते हैं। अगर ऐसे टाइटल है तो पूरी लाइन हो सकता है, कंप्लीट सेंटेंस। बट अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब एक ऐसा आदमी जो हर चीज़ में निपुण है, हर चीज़ में कुशल है, बट किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं है। अब ये क्या है, एक फ्रेज है। अब ये फ्रेज है, इसको आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते। अगर एज ए टाइटल आप इसे यूज करते हो तो इसे आप शॉर्ट में करने की कोशिश भी मत करना। अब यहाँ पे देखो 6-7 वर्ड्स हो गए हैं, तो इसे ट्राई मत करना कि इसे शॉर्ट करें। अदरवाइज टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 4-5 वर्ड्स, मैक्सिमम 4-5 वर्ड्स, मिनिमम 1 or 2 भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। और कभी भी ट्राई करोगे पैसे टाइटल जो हो थोड़ा यूनिक हो, अच्छा हो, ऐसा नहीं कि बस उसी में से पैसेज में उठा के कॉपी एज डिक्टो आप लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मिनिमम 4 एब्रीवेशन, कम से कम 4 एब्रीवेशन यूज करने हैं जो एग्जाम में गिवन होता है। अदरवाइज आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें नीचे लिखा होता है कि यूज मिनिमम 4 एब्रीवेशन, या फिर नहीं लिखा तो भी आप 4 तो आपको करना ही है। मैक्सिमम 7-8 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना। अब अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो उसका नुकसान आपका ही है, उससे लॉस आपका ही होना है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे अगर एक भी इधर उधर कुछ भी गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो मार्क्स डिडक्ट होने से अच्छा है कि कम लिखो बट बेटर लिखो, बेस्ट लिखो। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड डिटरमाइनर्स कुड बी ओमिटेड। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज एमर, वॉज वर, हैज है, विल सेल, आर्टिकल्स ए एंड, प्रोनाउंस जैसे प्रोनाउंस क्या हो गया, ही से, इट, डिटरमाइनर्स दीज, दोज, दिस, दैट, एटसेट्रा। इन वर्ड्स को आप क्या करोगे, जब नोट्स बनाओगे तो इनको ओमिट कर सकते हो, दैट मीन्स इन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स में। ओके, जब हम सब हेडिंग्स बनाएंगे इन चीज़ों में इसे इग्नोर कर सकते हैं। राइट मिनिमम 3 मेन हेडिंग्स एंड 3 सब हेडिंग्स। मिनिमम कम से कम 3 मेन हेडिंग्स और 3 सब हेडिंग्स लिखनी है। अब मेन हेडिंग सब हेडिंग कैसे लिखेंगे तो आपको आगे मैं बताऊंगा। अभी डू नॉट राइट टू मेनी सब हेडिंग्स, बहुत ज़्यादा सब हेडिंग्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। एवरेज आप 3 मान के चलिए, 3 के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि 3-3 तो हो जानी चाहिए, 3 मेन हेडिंग्स और 3 उसके सब हेडिंग्स। अगर पैसेज ज़्यादा डिफिकल्ट हो 2 में भी चल जाता है, बट ट्राई करना कि 3 हो जाए, ज़्यादा बेटर है। और बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा लिखूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा गलत होने के भी चांसेस हैं, और गलत हो गया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा 3 जब आपको मार्क्स मिल सकते हैं तो ट्राई टू यूज ओनली 3 मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। राइट ईडियम एंड ईडियम फ्रेजेज, या ओनली बोल सकते हो राइट फ्रेजेज एंड नॉट कंप्लीट सेंटेंसेज। आप फ्रेजेज लिख सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे खास बात, डू नॉट यूज नंबर्स एज अ एब्रीवेशंस। आपको नंबर्स को एब्रीवेशन में नहीं लिखना है, यानी जैसे हम क्या करते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना होता है, जैसे 2 लिखा है, 2 तो TWO पैसेज में है, उसको हमने ऐसे लिख दिया नंबर्स में 2,
या फिर विद लिखा है विद को लिख दिया डब्ल्यू आई डी विद, ये व्हाट्सएप वाला फॉर्मेट, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती, इनके आपको एब्रिवेशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको नंबर्स को एब्रिवेटेड फॉर्म में नहीं लिखना, और ऐसे जो वर्ड्स है फेसबुक पे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स को इस तरीके से आपको एब्रिवेटेड फॉर्म यूज़ नहीं करना। तो फिर करना कैसा है, करेक्ट फॉर्म क्या है, ये तो दोनों गलत हो गए, तो करेक्ट क्या है, तो करेक्ट आइए देखते हैं करेक्ट क्या है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यूज ऑफ एब्रिवेशंस, पहली कंडीशन है कि कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, जैसे अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा होता है, पूरा सेंटेंस लिखा है, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, CBSE, अभी इतना लिखने की तो जरूरत नहीं है, NCERT, इसके फुल फॉर्म लिखी होगी पैसेज में, तो हम शॉर्ट में NCERT, UNO है ना, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको शॉर्ट में UNO लिख सकते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO लिख सकते हैं, तो मतलब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो नहीं बोल सकते इसे, ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म, ओके, बस मेन फर्स्ट लेटर जो है ना उसको कैपिटल में लिख के आप छोड़ सकते हैं, दैट मीन्स इनकी फुल फॉर्म्स जो होती है तो फुल फॉर्म्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है आपको। उसके अलावा अर्थमेटिक सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे लेस देन ग्रेटर देन या किलोग्राम, ये सब पूरा लिखा हुआ है तो उसको आप शॉर्ट में इस तरीके सिंबल्स यूज करके लिख सकते हैं, परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज वैसे, ओके, तो अर्थमेटिक सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर कॉमनली यूज या स्टैंडर्ड जो एब्रीवेशन है उनका यूज कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में जो यूज किए जाते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है एब्रीवेटेड फॉर्म में, तो जैसे SC सुप्रीम कोर्ट के लिए हो सकता है, या शेड्यूल कास्ट, गवर्नमेंट, इंग्लिश, डॉक्टर एटसेट्रा, ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे न्यूज़पेपर में, कॉमनली यूज या स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं एब्रीवेशन के, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो आप लोगों के लिए स्पेशल है, इन्वेंटेड का मतलब जो आप खुद बनाते हैं, तो आप खुद बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखेंगे, कैसे बनाएंगे, एजुकेशन, तो एजुकेशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं आप, EDU. तो इसका मतलब यूज फर्स्ट फ्यू लेटर्स, शुरू के कुछ लेटर्स यूज करके आप डॉट लगा देंगे तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, एब्रिवेशन आप खुद से बना सकते हैं बिल्कुल। अचीवमेंट में देखो ओमिट वोवेल्स, जब कोई बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा लार्जर वर्ड है तो उस वाले ऐसे वर्ड्स में या लॉन्गर वर्ड्स में हम क्या करेंगे, उसमें के जितने भी वोवेल्स है उसको ओमिट कर देंगे, उसे गायब कर देंगे, उसे मिटा देंगे, ओके। देखो इसमें IE जितनी बार भी आए उन सबको हमने मिटा दिया, तो अचीवमेंट अभी अपने आप में एक शॉर्ट में एब्रिवेशन फॉर्म बन गया, ओके। तो एब्रिवेटेड वर्ड्स बनाने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे ब्यूटीफुल, तो उसको B' लगा दियो और FUL यानी सिंगल कॉमा ऊपर, तो ब्यूटीफुल, राइट फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू लेटर्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, मतलब जैसे इसमें क्या था फर्स्ट वाले में एजुकेशन में सिर्फ फर्स्ट फ्यू लेटर्स हमने बनाए थे, और यहाँ पे फर्स्ट फ्यू लेटर्स एंड लास्ट फ्यू लेटर्स, ओके। जैसे कैन नोट को हम क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं, CN लिख के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा के और T लगा देते हैं, तो इस तरीके से आप एब्रिवेशन बना सकते हैं, और ये एक आपका प्रॉपर वे होगा सॉल्व करने का या एब्रिवेशन बनाने का। तो अब तक आपने इतना देखा और आगे और बताता हूँ, इससे पहले आप फटाफट वेट क्या कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए, ताकि दूसरों तक भी पहुँच सके। आइए आगे देखते हैं समरी के रूल्स क्या हैं, समरी कैसे लिखनी है, अब आपको बात तो आती है समराइज, क्योंकि अब समरी के लिए क्या है कि इसके लिए भी एक प्रॉपर फॉर्मेट ध्यान रखना है आपको, और सबसे खास बात कि इसके लिए भी आपको पैसेज में लिखा होता है कि कितने वर्ड्स में लिखना है, ओके। पैसेज में ऑलरेडी गिवन होता है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग 80 वर्ड्स में होता है, मैक्सिमम 80 वर्ड्स, तो आप देख लेना अपने एग्जाम में कैसा आता है, अगर 80 वर्ड्स से ज़्यादा लिखा होता है, अगर 100 या 120 बोला हुआ है तो उतना लिखना है, अदरवाइज जितना लिखा उतना ही जितना बोला गया है उतना ही लिखना है, उसे ज़्यादा नहीं करना है। तो फर्स्ट रूल क्या है इसका, डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट गिवन इन द एग्जाम, वर्ड लिमिट जितने गिवन है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। समरी इज मेड आउट ऑफ नोट्स एंड नॉट द पैसेज, समरी कैसे बनानी है, आप जो आपने जो नोट्स बनाए उन नोट्स का यूज करके समरी बनानी है, ना कि पैसेज को कॉपी कर देना है आपको, पैसेज कॉपी करेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम चांस है कि एक आध मार्क्स मिल जाए, अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ओके। तो जो आप नोट्स बनाएंगे उसी को यूज करना है आपको। Do not divide the summary in different paragraphs. Summary लिखते वक्त कभी उसे अलग अलग paragraphs में divide नहीं करना, एक साथ पूरा paragraph लिख देना, एक ही paragraph में summary खत्म होनी चाहिए। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना, जो आप abbreviated form बनाएंगे, abbreviations जो बनाएंगे, तो वो abbreviations जब आप notes बनाएंगे ना, सब headings, main headings, उसी में आपको short में लिख देना है, उसके बाद फिर उसे लिखना है, वो आपको मैं आगे format में बताऊँगा। Next, do not use abbreviations in summary. Summary में कभी भी abbreviation यूज नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखना, आपको नोट्स में समरी एब्रीवेशंस यूज करनी है, समरी में एब्रीवेशंस यूज नहीं करनी। राइट कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज, अब देखो स्टार्टिंग में जब हम नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में कोई टेंस का रूल नहीं लगाना आपको, कोई ग्रामर का रूल नहीं लगाना, सारे ग्रामर गलत हो कुछ भी नहीं होता आपको, तो आपको इसलिए कहता हूँ ना नोट मेकिंग में मार्क्स मिलते हैं, आपको अटैम्प्ट करना एक प्रॉपर फॉर्मेट पर कंपल्सरी होता है,
नोट मेकिंग में कभी जीरो नहीं मिलता अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट पे सही से ट्राई किया है तो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी, इसलिए करना इसे कंपलसरी होता है, अटैम्प्ट जरूर करना आप एग्जाम में। ग्रामेटिकली वहाँ कोई मिस्टेक्स नहीं देखे, ग्रामर्स का कोई यूज नहीं, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब्स, नाउन प्रोनाउंस, डिटरमिनर्स, इन सबको तो हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ओके। लेकिन बट जब हम समरी बनाएंगे तो समरी में ग्रामर्स का बिल्कुल रोल है, ग्रामर्स बिल्कुल देखी जाएंगी आपकी, तो समरी में बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नोट्स एज फार एज पॉसिबल, जब आप समरी बनाएंगे तो उसमें कोशिश करो कि पूरा ऑर्डर फॉलो हो, यानी एक सीक्वेंस में पूरा पैराग्राफ लिखा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी हो रहा हो। पहले बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन, जैसे मान लो पॉल्यूशन के बारे में पैसेज था, तो पहले आप बता रहे पॉल्यूशन को गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए उसे रोकने के लिए, या फिर पॉल्यूशन के टाइप्स क्या, उसके बाद बता रहे पॉल्यूशन है क्या, ऐसा नहीं, एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट, ओके। तो आइए अब आपको मैं फॉर्मेट इसका बताता हूँ और कैसे करना है, अगली वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके बताऊँगा, बहुत जल्दी बताऊँगा आपको। और बाकी अब तक आपने और वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और फटाफट देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव और बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, एरर्स के बहुत सारे रूल्स, एरर्स के बहुत सारे प्रैक्टिस करके दिखाए, ओमिशंस करके दिखाए हैं, इनकरेक्ट करेक्ट जो हैं, तो सारी चीज़ देखिए ना आप। वेट किस बात का कर रहे हैं, देखिए फॉर्मेट आपको कैसा प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है इसका। तो सबसे पहले टाइटल लिखना है आपको, और टाइटल को आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, अंडरलाइन द टाइटल, टाइटल लिखना है, और टाइटल लिखने के 1 मार्क्स होते हैं, और टाइटल मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, 4 से 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर एक प्रोवर्ब्स या सेइंग्स हैं तो उस केस में आप पूरी लाइन लिख सकते हैं वो जितना है वो, अदरवाइज आपको 4 से 5 वर्ड्स मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, इससे कम ही ट्राई करना। उसके बाद मेन हेडिंग, मेन हेडिंग जैसे मान लो कि पॉल्यूशन के बारे में एक पैसेज है, तो मेन टाइटल आपने अगर पॉल्यूशन बना दिया, मेन टाइटल पॉल्यूशन, ओके, तो फिर उसके बाद अगर मेन हेडिंग्स में आप चाहो तो व्हाट इज़ पॉल्यूशन लिख सकते हैं, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा हेडिंग्स, सब हेडिंग्स यहाँ पे बता सकते हैं क्या क्या है, तो ये 3 पॉइंट्स आप चाहे तो इसके भी सब पार्ट्स कर सकते हैं, सब हेडिंग्स के भी सब हेडिंग्स कर सकते हैं, 1.1 है ना, इसका 1.11 कर सकते हैं, 1.1.1 भी कर सकते हैं, बट उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे अवॉइड करो, वो तो ऑप्शनल होता है, वो आपकी मर्जी है, उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपके पास टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो इसमें जैसे मान लो व्हाट इज पॉल्यूशन, तो उसके बारे में आपने बता दिया, फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बता दिया आपने, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरीके से आप मेन हेडिंग्स में जा सकते हैं, ओके। थर्ड मेन हेडिंग की बात करें तो आपने बता दिया कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, जैसे भी आप चाहते हैं वैसा आप बता सकते हैं, तो इसमें उसके बता देंगे कॉजेज क्या क्या, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है, अगर पॉल्यूशन के बारे में, मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये देखो, ये पहला टाइटल लिखने का भी 1 मार्क्स है, मेन हेडिंग्स और इसके बारे में जो सब हेडिंग्स डिफाइन करेंगे, तो इतना पार्ट आपका मिलकर 1 मार्क्स आपको प्रोवाइड कराएगा। फिर सेकंड मेन हेडिंग्स और उसके भी सब पार्ट्स जो आप लिखेंगे, सेगमेंट्स जो बताएंगे, तो वो भी आपको 1 मार्क्स के लिए हो जाएगा, और ऐसे थर्ड का भी, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 मार्क्स तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद आपको की टू एब्रीवेशंस लिखना है, एब्रीवेशंस 1 मार्क्स का होता है, और मिनिमम आपको 4 लिखने ही है, मैक्सिमम आप 7 तक जा सकते हैं, 7 to 8, और कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, समरी, समरी 3 मार्क्स की एग्जाम में मोस्टली 99% हर बार 3 मार्क्स की आती है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे, अदरवाइज जो भी एग्जाम होगा 3 और 2 मार्क्स का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी आपको समरी लिखने के बाद इसको भी बॉक्स में पैक कर देना है। समरी कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, कि जो नोट्स आप बनाएंगे उन्हीं नोट्स का यूज करके समरी बनानी है, अदरवाइज पूरा पैसेज कॉपी नहीं करना, ओके। समरी 80 वर्ड्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अदरवाइज एग्जाम में जैसा भी आपको प्रिस्क्राइब होगा, जैसा भी आपको गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग करना है। एक पैसेज, एक पैराग्राफ से ज़्यादा आपको समरी नहीं लिखनी है, मतलब पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट करना है, ओके। होपफुली समझ में आया होगा आपको, और अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके जरूर बताना, ताकि वीडियो को आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे भी उससे ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आपके लिए जल्दी से अगली वीडियो और जल्दी बना दूंगा, ओके। और बहुत जल्दी मैं आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूं लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई एग्जाम्स के लिए, 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के लिए, ओके। जुड़े रहिए चैनल से और दूसरे लोगों को भी जोड़िए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।